नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व विजेता और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जो करिश्मा कपिल पाजी ने करके दिखाया, जो करिश्मा माही ने करके दिखाया, क्या वो करिश्मा हिटमैन यानी कि रोहित करके दिखाएंगे? उसका आगाज आज से होने वाला है और भिड़ंत जिस टीम से होने वाली है वो अपने आप में 7 बार विश्व विजेता रही। बात ऑस्ट्रेलिया की, जिसका बैटिंग लाइनअप, जिसका बॉलिंग लाइनअप इस तरीके का बेहतरीन होता है कि बेहतरीन से बेहतरीन टीम को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। लेकिन इस वक्त जो भारतीय टीम है वो कई मायनों में ऑस्ट्रेलिया की टीम से बेहतर है। आज वर्ल्ड कप की इस पूरे मुकाबले में भारत अपना आगाज करने वाली है। पाकिस्तान के साथ 14 अक्टूबर को मैच है और कुल टीमें जितनी भी इसमें हैं वो 9 मैच खेलेंगी। आज का जो मुकाबला है एमए चिदंबरम स्टेडियम के अंदर है और मुकाबला सीधे तौर पर कहा जाए तो रोहित बनाम पैट कमिंस के बीच है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो भारत की तरफ से कपिल देव और माही ने देश को विश्व विजेता बनाया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। इससे पहले स्टेडियम पर दोनों टीमें जब आपस में भिड़ी तो उसका परिणाम क्या रहा, इस स्टेडियम के ऊपर टॉप स्कोर क्या रहा, लोएस्ट स्कोर क्या रहा, कौन से बॉलर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए नजर आए और किन का बल्ला जमकर चला है, आज की वेदर रिपोर्ट क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है और साथ में आज जो मुकाबला होने वाला है उस मुकाबलों को लेकर एक्सपर्ट की राय क्या है, आपको दिखाएंगे विश्व विजेताओं के बीच की आज की टक्कर से पहले क्या रहने वाला है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज से वर्ल्ड कप मैदान में टीम इंडिया उतरने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया का ब्लॉकबस्टर मुकाबला होना है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 2 बजे से मुकाबला शुरू होना है। धड़कनें यकीनन बड़ी होंगी, दोनों ही टीमों की बड़ी होंगी क्योंकि दोनों ही टीमें विश्व विजेता रह चुकी हैं। 4थी बार इस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और फैंस का इंतजार धीरे धीरे खत्म होगा। भारत का वर्ल्ड कप में सफर शुरू होगा। चेन्नई में भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत और चेन्नई में 4थी बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। इस दौरान आपको बताएंगे कि प्लेइंग 11 से पहले प्लेइंग 15 क्या रहने वाली है, जिसमें 4 रिजर्व खिलाड़ी होंगे। 4 रिजर्व खिलाड़ी दरअसल पिच रिपोर्ट के आधार पर होंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि टीम इंडिया के वो 15 प्लेयर कौन से होने वाले हैं जिनके ऊपर दारुमदार है विश्व विजेता बनने का। तो ये वो 15 खिलाड़ी हैं जो भारत को विश्व विजेता बनाएंगे। रोहित शर्मा, जिनकी अगुवाई में वर्ल्ड कप के अंदर टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है। विराट कोहली, जिनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहने वाली है क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस विराट कोहली बीते दिनों देते नजर आए वर्ल्ड कप में, हम चाहेंगे कि वो वहीं से उसको शुरू करें। केएल राहुल विकेट कीपर और बैट्समैन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। केएल राहुल के ऊपर भी जिम्मेदारी है और केएल राहुल पर इसलिए ज्यादा फोकस आज रहेगा क्योंकि बीते मुकाबलों के अंदर केएल राहुल का बल्ला खूब चलता हुआ नजर आया और जिस अंदाज में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हैं, इनको इंडिया का एबी डिविलियर्स भी कहते हैं क्योंकि 360 बैटिंग करते हैं और किसी भी बॉलर को पसीना लाने के लिए सूर्य कुमार को ज्यादा पसीना बहाना नहीं पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार अगर जरूरत 10 बॉल में 35 रन बनाने की है तो भी सूर्य कुमार पर विश्वास किया जा सकता है कि हां इस टारगेट को चेज किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर युवा है, पहली बार वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से T20 के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरीके से IPL के अंदर वो निखरकर सामने आए, एक प्रेशर जरूर रहता है वर्ल्ड कप का लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है उनसे उन्होंने अनुभव जरूर लिया होगा कि शुरुआत में किस तरीके से उतरना है, किस तरीके से प्रेशर को रिलीज करना है। हार्दिक पांड्या, वर्ल्ड कप का अनुभव इनके पास है और जिस अंदाज में वो ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आए हैं वाकई में काबिले तारीफ।
और पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर मेन बॉलर से ज्यादा इंपैक्टफुल हार्दिक पांड्या नजर आए और इसलिए हार्दिक पांड्या को आप मान सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप का की प्लेयर भी हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि पहले 10 ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल हो। ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। अब यह देखना होगा कि अगर हम प्लेइंग 11 में आते हैं तो केएल राहुल को टीम में जगह दी जाती है, ईशान किशन को टीम में जगह दी जाती है। ये इसलिए क्योंकि दोनों ही विकेट कीपिंग करते हैं और संभावना यह भी है कि हो सकता है दोनों ही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल पर दाव खेला जा सकता है, उनका पहला वर्ल्ड कप है और एक युवा बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव किया है। प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज करना शुभमन गिल जानते हैं। एक अनुभवी मेंटोर के साथ वो बल्लेबाजी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा, सर जडेजा का कोई मुकाबला नहीं। और मानकर चलिए कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या इस पूरे वर्ल्ड कप के की प्लेयर हो सकते हैं, रविंद्र जडेजा भी की प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन बॉलिंग करते हैं और एक मेन बॉलर की भूमिका निभाते हैं। 10 ओवर अगर टीम इंडिया को फिकवाने हैं एक स्पिनर के तौर पर, तो रविंद्र जडेजा उसके लिए पूरे तरीके से सूटेबल नजर आते हैं। शार्दुल ठाकुर, इनको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मिड पेसर बॉलर हैं और बल्लेबाजी कभी अच्छे करते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये एक रिस्क जोन में हो सकता है प्लेइंग 11 के लिए। लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी पर दाव खेला जा सकता है और मैं कह सकता हूं कि प्लेइंग 11 के अंदर मोहम्मद शमी होंगे, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग वो करते हैं, वो बुमराह के साथ पहले 5 ओवर में विरोधी टीम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में कामयाब होते हैं और वो उसमें काफी हद तक दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। बुमराह यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि जिस तरीके का उनका अनुभव है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह, जिन्हें जोरकर मास्टर भी कहा जाता है, वो यकीनन होंगे। कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही बेहतरीन बॉलर हैं। रविंद्र चंद्र अश्विन के पास वर्ल्ड कप का अनुभव है, लेकिन कुलदीप यादव के पास अनुभव भी है और उसके साथ साथ पुराने रिकॉर्ड अगर हम देख रहे हैं तो रविंद्र चंद्र अश्विन से ज्यादा बेहतर भूमिका में कुलदीप यादव नजर आते हैं। और अगर रविंद्र चंद्र अश्विन का विकल्प के तौर पर देखा जाए तो फिर मुमकिन है रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जा सकता है। इसलिए यह देखना होगा कि अगर रविंद्र चंद्र अश्विन टीम का हिस्सा बनते हैं तो फिर जडेजा और कुलदीप यादव दोनों में से किसको ड्रॉप किया जा सकता है। मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हो सकते हैं, युवा है, लेकिन अगर 5 बॉलर के साथ उतरना है तो 5 बॉलर कौन से होंगे? मोहम्मद शमी हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह यकीनन होंगे, हो सकता है सिराज और शमी में से किसी एक को लिया जाए। रविंद्र जडेजा मेरे हिसाब से टीम का हिस्सा रहेंगे, तो कुलदीप यादव और रविंद्र चंद्र अश्विन में से किसी एक को लिया जा सकता है। हम प्लेइंग 11 आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया के टॉप 15 बल्लेबाज जो इस वर्ल्ड कप में उतरे हैं, और उनमें से मैक्सिमम अनुभवी प्लेयर है और इसलिए यह टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। शुरुआत करते हैं स्टीव स्मिथ के साथ, जिस अंदाज की वो बल्लेबाजी करते हैं, अगर वो एक बार पिच पर रुक गए तो फिर उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल होता है। डेविड वॉर्नर के साथ अच्छी बात यह है कि वो भारत में जमकर खेले हैं, खूब खेले हैं, T20 और IPL में एक बेहतरीन बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं, और ऐसा कोई शायद इंडियन टीम का बॉलर अभी नहीं जिनको उन्होंने खेला नहीं। सबके साथ अच्छे रिलेशन उनके हैं और इसलिए डेविड वॉर्नर ज्यादा घातक इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हो सकते हैं। कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर की भूमिका में है, IPL में खूब खेलते हैं, इनको भी पता है, और ये जितनी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं उतनी ही बेहतरीन ये बल्लेबाजी भी करते हैं। कैमरून ग्रीन यकीनन टीम का हिस्सा हो सकते हैं और इसमें एक अच्छी बात यह रहेगी कि हो सकता है आपको ये शुरुआत के 10 ओवर में नजर आए या फिर 10 ओवर के अंदर आपको नजर आए। मिचेल मार्स यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, ग्लेन मैक्सवेल यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, मार्कस टोनिस को लेकर आप सोच सकते हैं कि 50-50 हो सकता है, क्योंकि लबुनाशे
और मार्कस स्टोनिस, दोनों में से हो सकता है किसी एक को रखा जाए। सीन अबाउट नए खिलाड़ी हैं, काउंटी से निकल कर आए हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं और रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है। ऐसे में हो सकता है कि एक युवा के तौर पर इनको लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्लेइंग 11 में अगर इनको लिया जाता है, अगर प्लेइंग 11 में इनको लिया जाता है तो फिर आप किनको ड्रॉप करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। एलेक्स कैरी विकेट कीपर है, कोई विकल्प दूसरा नहीं है, तो एलेक्स कैरी यकीनन टीम का हिस्सा होंगे। जोश इंग्लिश, ये दरअसल नए बल्लेबाज और ये काउंटी ज्यादा खेलते हैं, वर्ल्ड कप के अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, मैं जोश इंग्लिश और सीन अबाउट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दोनों ही बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बॉलर हैं। ट्रेविस हेड को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, पैट कमिंस यकीनन होंगे, जोश हेजलवुड का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अच्छा है, टीम का हिस्सा हो सकते हैं। एडम जंपा यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अगर आप इनके रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो जंपा के खिलाफ वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए और उन्होंने कई बार उनको आउट किया है और उसका बदला हो सकता है आज टीम इंडिया लेती हुई नजर आए। मिचेल स्टार्क यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों ही बॉलिंग को ओपन करते हैं विरोधी टीम के खिलाफ और दोनों ही लाइन लेंथ के साथ उस अंदाज में बॉलिंग करते हैं कि शुरुआत में ही टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस स्टेडियम पर मुकाबला है, एमए चिदंबरम स्टेडियम पर, उस पर रिकॉर्ड क्या कुछ कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, सबसे पहले पिछले कुछ मैच का जिक्र आपके साथ मैं करना चाहूंगा, जरा बताइए बीते कुछ मैच की अगर बात की जाए तो फिर यहां के रिकॉर्ड क्या कुछ कहते हैं। एक घंटे के बाद वो वर्ल्ड क्लास मुकाबला शुरू होना है जिस पर नजर टिकी हुई है पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि अगर विश्व विजेता बनना है तो सबसे ज्यादा बार विश्व विजेता रही टीम को हराना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत है और इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़े हैं और हमारे साथ असलम अली साहब जुड़े हैं जो कि पूर्व रणजी कप्तान है। शुभम, जरा आंकड़ों के जरिए बताइए, अगर बीते दो तीन मुकाबलों की बात की जाए इस वेन्यू पर, इस ग्राउंड पर, तो क्या रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के पुराने भिड़ंत के आंकड़े क्या रहे? विजेंदर, इस वेन्यू पे तीन मुकाबले हो चुके हैं। पिछले साल एक मुकाबला हुआ 22 मार्च 2023 को, हम उसका आंकड़ा आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बनाए थे इस पारी में, जो पहले बल्लेबाजी करती है, और भारत ने इसमें बनाए थे 248। ये मैच भारत हार चुका था। इसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने लिए थे 5 विकेट और स्पिन ने लिए थे 6 विकेट, और सेकेंड इनिंग की बात करें तो पेसर्स ने लिए थे 2 विकेट और स्पिन ने लिए थे 6 विकेट। इसके बाद हम बात करेंगे 15 दिसंबर 2019 की, जहां इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 का टारगेट दिया था और वेस्ट इंडीज़ ने इसको चेस करके 291 पे इसको जीत लिया था, और फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने लिए थे इसमें 7 विकेट और सेकंड इनिंग में पेसर्स ने लिए थे इसमें 2 विकेट। अच्छा सर, बताइए इस पूरे अगर ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, लोएस्ट स्कोर क्या रहा है और किस तरीके से बल्लेबाज या बॉलर्स इस पर इम्पैक्ट डालते नजर आए? इस वेन्यू की बात करें तो इस पे हाईएस्ट स्कोर मान के चलिए आप 337 का लाया और लोएस्ट स्कोर रहा है 69 का, और एवरेज स्कोर की बात करें तो 260 से लेके 300 तक के बीच का इसमें एवरेज स्कोर बताया गया है। जी, तो असलम साहब, आपको क्या लगता है, कोई भी दोनों ही वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान पर उतरने वाली है, आपको लग रहा है 300+ रहेगा या फिर जो इसका एवरेज स्कोर है 250 से 260-270 के आसपास उतना ही रहेगा? ये वर्ल्ड कप का उन मैचों में से है जो बेहतरीन टीमें जो होती है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया उनका एक बड़ा मैच है और दोनों टीमें बराबर की है कि अपन बोल नहीं सकते कि कौन जीतेगा हारेगा, जो जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। इसमें मैं बताऊं आपको कि जो लास्ट मैच है जो ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर चेपैक चेन्नई में जो मैच हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के विकेट में काफ़ी डिफरेंस है, और इंडिया अपने चेन्नई में मैचेज है वहाँ काफ़ी अच्छा खेलती है, और जो लास्ट मैच था वो देखें आप, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी इंडिया से, और वहाँ पर जो इनका की फैक्टर, तो आज बदलापुर होगा सर? बिल्कुल बदलापुर होगा आज, और देखते हैं आज मैच में दोनों टीमें की फर्स्ट 11 क्या आती है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वहां पर मीडियम पेसर्स को इतना नहीं है जितना स्पिनर्स को है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन स्पिनर हैं। यहां मैं बात करूं अश्विन की, अश्विन जो है वो वहां के लोकल हैं
और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं देखो आप, और बैटिंग में भी लाके लास्ट में आके काफ़ी उन्होंने मैचेस जीते हैं जो वनडे और टी ट्वेंटी है, तो आज काफ़ी डिपेंड करेगा कि आप जो स्पिन अटेके उस पर। तो सर शुभम सर बताइए फिर यहाँ पर बॉलर्स का रिकॉर्ड क्या रहा है जी विजेंद्र हम बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने 42 मैच खेले हैं जिन्होंने उन्होंने 56 रन देकर 34 विकेट लिए हैं इस वेन्यू पर। और फिर अपन बात करें अश्विन की, अश्विन ने 17 मैच खेलकर 20 विकेट लिए हैं। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने 10 मैच खेले हैं और 25 विकेट लिए हैं। और कुलदीप यादव ने 20 मैच खेलकर 21 विकेट लिए हैं। और मोहम्मद सिराज ने 5 मैच खेलकर 6 विकेट लिए हैं। तो इस हिसाब से आज ये का पिच फ्रेंडली स्पिनर बताया गया है, जिस हिसाब से जो टीम इंडिया 3 स्पिनरों को खिला सकती है जिसमें कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन हो सकते हैं। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अभी ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये इनके इंडिविजुअल बता रहे हैं, उसके बाद तो काफ़ी मैचेस खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया इन लोगों को, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ जो इनकी जो तिकड़ी है जो अश्विन और जडेजा और कुलदीप यादव की, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करेगी क्योंकि वो उनका कुछ पता नहीं होता कब जाके विकेटें ले ले, एक विकेट टेकल बॉलर होंगे तो वही होंगे आज। नहीं लेकिन असलम जी आप कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा होंगे बिल्कुल, कुलदीप यादव होंगे, यस, आर अश्विन होंगे, हाँ, तीन स्पिनर्स के साथ मेरा ये मानना कि 3 स्पिनर्स के साथ होना चाहिए। 2 मीडियम पेसर्स हैं अपने बुमराह और सिराज, शमी नहीं होंगे आई थिंक शमी नहीं होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि शमी के पिछले रिकॉर्ड को हम उठाते हैं तो पहले 5 ओवर में उन्होंने विकेट दिलाया है और आज ज़रूरत रहेगी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को जीतना है। नहीं आपने सही कहा, शमी विकेट टेकर बॉलर है मगर ये 2 भी कम नहीं है क्योंकि इन्होंने भी कई मैच जिता के दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुमराह और सिराज दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पिछले कई मैचों में आपने देखा होगा ये तीनों बॉलर हैं, मगर अभी जो सिचुएशन जो है उनमें 2 ही बॉलर जो खेल सकते हैं जिसमें सिराज और बुमराह, बाकी 3 स्पिनर्स हमारे पास हैं और ये करके। अच्छा जो टॉस जीतेगा उसे पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल बल्लेबाजी करनी चाहिए, अच्छा विकेट है और दोनों ही टीमें चेस करने भी माहिर है तो ऐसे विकेट का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, मगर हाँ जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करने के लिए जाएगा। और इंडिया की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा? वो ओपनिंग जिस तरह से फिटनेस पे सवाल है क्योंकि डेंगू उनको शुभम गिल को हो चुके हैं तो शायद वो नहीं खेलें, उनकी जगह ईशांत और रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं। तो नीचे सर, हमने प्लेइंग 11 एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिया ने जो प्लेइंग 11 बनाई है उसको जरा देख लेते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे कि भाई इस प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और क्या बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि असलम साहब कह रहे हैं कि 3 स्पिनर के साथ होंगे, 2 मीडियम पेसर के साथ होंगे। ये जरा देखिए प्लेइंग 11 फर्स्ट इंडिया ने डिजाइन किया है, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। अब ये कह रहे हैं असलम साहब कि शार्दुल ठाकुर नहीं होंगे, इनकी जगह अश्विन होंगे और शमी की जगह सिराज होंगे और यहाँ सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे, हाँ, और श्रेयस अय्यर भी नहीं होंगे इनकी जगह एक आप अश्विन को ऐड कर सकते हैं। कुलदीप यादव और श्रेयस की जगह हम किसको ऐड करें? श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे, हाँ। और अगर हम इस स्टेडियम की बात करें क्योंकि स्टेडियम पर जो स्पिनर है स्पिनर ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आते हैं, तो जरा इस पूरी टीम को देखकर बताइए किसमें से वो कौन कौन से बैट्समैन हैं जो स्पिनर को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि जंपा का रिकॉर्ड रोहित के खिलाफ भी अच्छा है, विराट के खिलाफ भी अच्छा है और इसमें हार्दिक पंड्या के खिलाफ भी अच्छा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आप जंपा का भी मैं बता दूं उनका भी फिटनेस प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है वो भी 11 में नहीं खेले अगेंस्ट इंडिया के। तो यहाँ मैं अब स्पिनर की बात करिए आपने कि स्पिन कौन अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल ये मास्टर हैं खेलने में, आपने देखा होगा कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कोई कैसे भी विकेट हो, तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बड़े प्लेयर है आराम से हैंडल करेंगे। अगर चंपा नहीं खेलेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पिनर कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया के तरफ से स्पिनर्स है क्योंकि आप मैकगिल को अपन खिला बॉलिंग करवा सकते हैं कि लास्ट मैच में मार्श तो उनके बैट्समैन है जी। तो इस मैच में मैं बता दूं कि लास्ट में जो इंडिया का जो हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें मैक्सवेल ने 4 विकेटें ली थी ऊपर की, जिसमें 2 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की,
क्योंकि इस विकेट यहाँ चेन्नई में वो हमेशा उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कि वो एक्स फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करेगा, तो हो सकता है कि आज मैक्सवेल जरूर बॉलिंग करेंगे। और वैसे भी मैक्सवेल को हम अगर ऑलराउंडर की भूमिका में देखें तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बराबर ही आकर खड़े हो। बिल्कुल, बहुत बड़े प्लेयर हैं वो भी, और वो यहाँ पे आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो भी एक बड़े की प्लेयर हो सकते हैं मैच को जिताने में, मैच को आगे ले जाने में। चलिए एक बार फिर से प्लेइंग 11 दिखाइए, क्योंकि असलम साहब जो प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, जो भारत के प्लेइंग 11 की बात करें उसमें सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, कुलदीप यादव होंगे, अश्विन होंगे, बिल्कुल, और उसके अलावा एक और नाम कौन सा बता रहे हैं? ईशान किशन तो है टीम में। बिल्कुल नहीं, शमी की जगह आप सिराज आएंगे, शमी की जगह सिराज आएंगे, शार्दुल ठाकुर की जगह आप कुलदीप यादव आ जाएंगे, सूर्य कुमार की जगह अश्विन, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जरा प्लेइंग 11 दिखाइए जो हम सोच रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 खेल सकती है, क्योंकि मैच और मुकाबला 11 टीमों 11 खिलाड़ियों के बीच में होता है। असलम साहब ने 3 चेंजेस कराए हैं, अब वो जब टीम डिसाइड होगी और जब अनाउंस होगी उस वक्त पर ये पता चलेगा कि असलम साहब ने जो बताया है वो कितना इंपैक्टफुल और कितना सही रहा है। अब सर ये है ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, हेड, कमिंग्स, हेसलवुड, जंपा, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्स, कैरी और स्टॉइनिस। तो ये दरअसल वो प्लेइंग 11 जो फर्स्ट इंडियन बने, इस पर बातचीत करेंगे असलम साहब आपके साथ। लेकिन और विश्व विजेता को लेकर जो टीम घोषित होने वाली है उसमें एक बड़ा अपडेट आपको दे दे कि टीमें स्टेडियम पहुंच चुकी हैं, चेपॉक स्टेडियम पहुंच चुकी हैं, शुभमन गिल मैच नहीं खेल रही है, ये कंफर्म हो गया है। उनकी जगह ईशान किशन को मैच में रखा गया है, असलम साहब ने पहले ही बता दिया था, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद डेंगू के बाद वो स्वस्थ होंगे, इस मुकाबले के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनको शायद और रेस्ट दिया गया है। असलम साहब पहला रिएक्शन तो इसी पर, ये कंफर्म है कि शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, ईशान किशन खेलेंगे तो मानकर चलें रोहित के साथ ओपन करें। बिल्कुल, रोहित के साथ ईशान किशन ने लास्ट मैच में भी ओपनिंग करी है और अभी वो फॉर्म में भी है ईशान किशन, तो ऐसा नहीं है कि शुभम गिल की अगर कमी अगर वो होगी तो वो शायद पूरी करेंगे, क्योंकि वो फॉर्म में भी है। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि स्पिनर्स भी शायद 3 खेलेंगे जी, क्योंकि चेन्नई का जो विकेट है उस पर 3 स्पिनर शायद दोनों टीमें खिला सकती हैं जी। ठीक है, तो हम टीम का जिक्र कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम का जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं जो हमारी तरफ से संभावित है, हो सकता है उसमें बदलाव हो, और असलम साहब एक्सपर्ट हैं, वो इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे। असलम साहब पूरी प्लेइंग 11 आपके सामने, जरा बताइए इसमें से किसको एग्जिट करेंगे, किसको एंट्री दें। मार्क स्टाइलिंस है वो शायद, उनका भी अनफिट का प्रॉब्लम है तो वो भी चेंज हो सकते हैं आज, और उनकी जगह टीम में है, क्योंकि जंपा का भी आया कि वो स्विमिंग पूल में कहीं गिर गए थे तो उनका भी चोट लगी थी, हालांकि वो नेट्स में बॉलिंग करते हुए दिखे थे मगर उन पर एक इशू बना हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या 11 होगी, वो भी चाहेंगे तो अपने टीम में स्पिनर्स खिलाने की कोशिश करेंगे पूरी जी। गेंदबाज को लेकर कि अभी कि मार्कस स्टॉइनिस रिकवर नहीं हो पाए हैं तो उनकी जगह कैमरून ग्रीन को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन सी ग्रीन को आप मार्कस स्टॉइनिस की जगह ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सी ग्रीन, असलम साहब, क्योंकि सी ग्रीन का रिकॉर्ड वाकई में अच्छा है और वो बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन वो मीडियम पेसर है, स्पिनर के तौर पर कौन ऐड हो सकता है? नहीं देखिए, स्पिनर के तौर पे आगे इनको जब खिलाया है तो ये स्लो मीडियम पेसर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम में जो अपन ग्लेन मैक्सवेल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आज यहाँ पर पूरे 10 ओवर डालने वाले हैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि इनके पिछले इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, जब भी इन्होंने बॉलिंग करी है अपने ऊपर के प्लेयर इन्होंने आउट करके दिए हैं, तो आज भी वो है जो ये इनको पूरे बॉलिंग का ओपन कौन कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? स्मिथ एंड वार्नर के साथ आप ये जो है मैक्सवेल को भी आप ये डाल सकते हैं ऊपर, और देखिए आप जो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वार्नर के साथ। बिल्कुल सर, स्मिथ को लेकर जरा बताइए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा था तो स्मिथ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है, नहीं इस स्टेडियम पर नहीं रही है, उन्होंने 2 मैच खेले हैं सिर्फ 1 रन बनाया है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, मगर इंडिया के अगेंस्ट हमेशा वो अच्छा खेले, उनके रिकॉर्ड देखे इंडिया के अगेंस्ट कि काफ़ी उन्होंने रन बनाए, तो आज ये भी है, इनको भी पास मौका है, क्योंकि इन पे भी ये ब्लेम लगा हुआ कि भाई वहाँ पे चेन्नई में खेल नहीं पाते, तो आज ये भी अच्छा करेंगे क्योंकि सभी की फॉर्म ज़बरदस्त है। तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, कप्तान ऑस्ट्रेलिया के रह चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह से अपनी इंडियन टीम में इंडियन टीम के शुरू के आप देखो तो रोहित, विराट कोहली, उसी तरह से आप स्टीव स्मिथ और वार्नर को लेके चल सकते हैं, मैकगिल इनके पास पीछे हैं, तो इनके पास भी एक बड़ा अच्छा नीचे ऑलराउंडर की लिस्ट है कि जो मैच को संभाल सके। शुभम, दो खिलाड़ी अगर इसमें से आप कहें कि भाई आज इनसे बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, तो रिकॉर्ड के हिसाब से कौन से? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक तो स्टीव स्मिथ से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी फॉर्म में है नहीं, लेकिन जब वो चलते हैं तो बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अगर वो 50 रन भी बना गए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 50 रन के बावजूद अगर उनका आउट करना मुश्किल हो जाएगा। और एक वार्नर भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, इनका जो कहा इन्होंने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी अब दोनों टीमें में देखेंगे तो ये वार्नर, स्मिथ, विराट कोहली जैसे ही एक्सपीरियंस प्लेयर है कि बड़े प्लेयर हैं जो मैच को निकाल के ले जा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आप पिछले ठीक है कई मैचों में ये आउट भी हो गए, मगर जिम्मेदारी बखूबी इनको निभाना आता है। अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूँ, एलेक्स कैरी, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, वो वाकई में एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे बचने की जरूरत है। नहीं, जरूरत है, नीचे बहुत बढ़िया खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, विकेट कीपर हैं, और आपने मैचेस देखेंगे उनके कि वो नीचे आके भी पंच हिट भी अच्छा मार देते हैं, ऊपर भी अच्छा मारते हैं और मैच को रोटेट करते हैं। अच्छा, इनकी तरफ से बॉलिंग को ओपन कौन करेगा, पैट कमिंस या स्टार्क? पैट कमिंस, और स्टार्क शायद नई बॉल डाल सकते हैं। नई बॉल से ठीक है। इंडिया की एक बार प्लेइंग 11 एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि रिकॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारे सारे बल्लेबाज, सारे के सारे बल्लेबाज फॉर्म में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अलग प्रेशर होता है और उस प्रेशर को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें हालांकि कुछ बदलाव असलम साहब करा रहे हैं, और एक बदलाव कन्फर्म है कि भाई शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, उनकी जगह ईशान किशन खेलेंगे। आपको लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज हो सकता है, हार्दिक पंड्या को थोड़ा ऊपर लाया जा सकता है? देखिए, मैंने अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे, वो इंडियन टीम जो अपन ने शुरू में आपने बताई, मैंने बताई, एज इट इज़ वो की वो इंडियन टीम है, कि उसमें सिर्फ एक चेंज होना था, तीन चेंज होने थे, वो तीनों चेंज हुए हैं, अश्विन को भी मौका मिल गया और ईशान किशन को भी। अब मैं आप रही बैटिंग ऑर्डर की बात बताऊं तो आपको रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ही परफेक्ट ओपनर है, वन डाउन विराट कोहली, उसके बाद विराट कोहली आ जाएंगे, उसके बाद आपके श्रेयस अय्यर है, हो सकता है उनको के एन राहुल को भी यूज कर दें, क्योंकि लास्ट मैच में सेंचुरी उनकी, अच्छा खेल रहे हैं जी। और नीचे डिपेंड करता है कि अगर ईशान किशन आउट होते हैं तो के एन राहुल ऊपर आ सकते हैं, बिल्कुल। और फिर नीचे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा है, वो बिल्कुल पारी को संभाल सकते हैं अगर बैटिंग आए तो, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो चार लाइन जो एक तरह से किले की दीवार है, वो आउट होने में बड़ी मुश्किल से होंगे, और लगता है कि इनकी तो लास्ट में 10 ओवर में या 15 ओवर में बैटिंग आ सकती है, ऊपर में अगर विकेट नहीं गिरे तो ये मान लीजिए कि 350 के आसपास स्कोर होना जरूरी है अगर बैटिंग करती है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको हराना है, बैकफुट पर लाना है, तो आपको स्कोर बोर्ड पर 350 रन बनाने ही पड़ेंगे। और सेंचुरी किसके बल्ले से उम्मीद करें? देखिए, कहने को तो मैं ओपनर से ही अगर शुरू करूंगा, क्योंकि पूरा नीचे तक अगर खेलेंगे तो सेंचुरी करेंगे, मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा, ईशान किशन में एक लंबा खेल सकते हैं आज, जो रोहित शर्मा का जिस दिन आप ये देखिए कि खेलते हैं तो लाजवाब खेल गए तो फिर 400 चले जाएंगे, बिल्कुल 400 चले जाएंगे, फिर ये रुकते नहीं है। अगर इनका 10 रन में कुछ हो गया, 5-7-8 बॉलों में अगर कुछ इनको लगा कि कुछ कर नहीं पा रहे, और अगर इन्होंने 10 रन बना लिए, फिर ये बिल्कुल ऊपर सोए पे जाते हैं सीधे। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सवाल इन सबके बीच में ये है कि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो टीम को क्या फायदा होगा, और जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली है उस टीम को क्या फायदा या नुकसान होगा, क्या ड्यू फैक्टर सेकंड पारी के अंदर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा।